हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट अमेज़न की प्रेजेंट और अपकमिंग सेल्स के बारे में, आपके लिए कौन सी बेटर हो सकती है। और जो प्रेजेंटली चल रही है एक मेगा सेविंग डेज, क्या ये बिग सेविंग डेज का रिप्लेसमेंट है, इसके बारे में भी करेंगे पूरी डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपकमिंग सेल और प्रेजेंट सेल्स के जो भी अपडेट्स होंगे अप्रैल 2024 में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी प्रोडक्ट सर्विस किसी भी चीज़ को लेके, तो बिल्कुल भी ये है डाउट मत रखो, नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में उसको डिटेल में लिखो, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर पाए, आपके साथ साथ इससे सब लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये सेल देखने को मिल रही है जिसका नाम है मेगा सेविंग डेज, जो कि 10 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे 15 अप्रैल तक चलने वाली है। ये एक तरीके से बिग सेविंग डेज का नया नाम जो है फ्लिपकार्ट ने रखा है। इसमें आपको देखो HDFC बैंक, HSBC बैंक, वन कार्ड के क्रेडिट कार्ड पे आपको जो है 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। किसी किसी जो है प्रोडक्ट पे आपको जो है डेबिट कार्ड का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है, तो वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा जो भी आप परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर हम बात कर लें डील्स की, तो डील्स आपको अच्छी देखने को मिल रही है, खासकर स्मार्टफोन्स पे। खासकर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 10-12 हज़ार की रेंज में भी अब जो है बहुत सारे 5G ऑप्शंस आपके पास आते चल रहे हैं, यानी जो भी लोग यहाँ पे 5G फ़ोन लेना चाहते हैं, जिनके वहाँ पे नेटवर्क कवरेज है और यहाँ पे 5G का मज़ा उठाना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे 10-12 हज़ार की रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन जो है परचेज़ कर सकते हो। हालांकि कॉम्प्रोमाइज़ जो है डिस्प्ले क्वालिटी में है, यानी IPS डिस्प्ले ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। AMOLED वाले के लिए आपको मिनिमम जो है 14-15 हज़ार या 13 हज़ार मिनिमम जो है खर्च करने पड़ सकते हैं। ओवरऑल ये कह सकते हो कि ये काफ़ी सही जो है चीज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बेसिक फ़ोन चाहिए, ज़्यादा कोई डिस्प्ले से लेना देना नहीं है, बस उनको जो है 5G, एक तो देखो अनलिमिटेड ऑफ़र भी है जियो के बहुत सारे प्लान्स पे देखने को मिल रहा है, तो आप उसका भी फ़ायदा जो है उठा सकते हो। बाकी सेल की बात कर ले तो ये एक ऑल कैटेगरी सेल है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी परचेज कर सकते हो, चाहे लैपटॉप, TV, DSLR, कोई भी कैटेगरी का सामान हो, फैशन आइटम्स हो, घर की ग्रोसरीज हो, या फिर होम डेकोर का सामान हो, सब कुछ आपको जो है अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अभी ही एक दो दिन के अंदर शॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट सेल की बात कर लेते हैं, ये है कूलिंग डेज। तो जैसा कि आप सब जानते हो गर्मी आप जो है नॉर्थ इंडिया में लगभग आपको जो है ज़्यादा आती हुई देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे कूलिंग डेज यानी यहाँ पे ठंडी चीज़ों की, यानी रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, चाहे और कुछ एक प्रोडक्ट्स की बात कर ले, उनकी डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है। इस सेल में भी देखो आपको जो है ठीक ठाक से डिस्काउंट मिल जाएंगे, कार्ड ऑफर वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी ये है कि ठीक ठाक ही होगा, जो भी आप जो है गर्मियों का सामान लेना चाहते हो तो आपको ठीक प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है भी है तो आप एक बार जो है बिग सेविंग डेज, जो मेगा सेविंग डेज जो अभी आई है, इस पर भी एक बार चेकआउट कर ले, आपको जो है अच्छे प्राइस पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप किसी से ये सेल छूट जाती है फॉर व्हाट रीज़न, तो यहाँ पे मोबाइल बोनांजा सेल आपको देखने को मिलेगी। इसकी डेट्स की बात कर ले तो ये आपको 20 अप्रैल के बाद अनाउंस होती हुई देखने को मिलेगी, और ये सेल होगी सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन सेंट्रिक। तो स्मार्टफोन सेंट्रिक सेल होगी, यहाँ पे एक कार्ड ऑफर मिलेगा, 4 से 5 डील्स अच्छी देखने को मिल जाएंगी। ओवरऑल ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सही जो है यहाँ पे भी चीज़ें रहेंगी। तो ये कुछ एक सेल्स थी जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट पे। अगर आप बात कर ले अमेज़ोन पे, तो अमेज़ोन पे आपको एक समर सेल देखने को मिलने वाली है। तो समर सेल में क्या होने वाला है, समर सेल में भी आपको सारी ही कैटेगरीज, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कूलिंग डेज की तरह सिर्फ और सिर्फ आपको जो है गर्मियों के सामान पे आपको जो है छूट देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको ओवरऑल जो है सारी कैटेगरीज पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और आप जानते हो कि समर सेल काफ़ी बड़ी सेल होती है अमेज़ोन की। इसके अलावा आपको जो है स्मार्टफोन्स की सेल की बात कर ले, तो अमेज़ोन पे आपको जो है फेब फोन फेस्ट देखने को मिलेगी, जो कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में अनाउंस होती हुई इसके बैनर्स देखने को मिल जाएंगे और स्टार्ट होती हुई भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट हो गया चाहे अमेज़ोन हो गया, दोनों पे ही आपको जो है सेल्स जो है देखने को मिलती ही रहती हैं लगभग। बट जो कुछ एक सेल्स, मतलब यहाँ पे कुछ ही सेल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादातर ऐसी हैं जिनमें आपके जो है वैसे ही, मतलब ऐसे ही नॉर्मल प्राइस पे ही चीज़ें दे देते हैं, और कार्ड भी ऐसे ऐसे मांग लेते हैं, जैसे वन कार्ड हो गया। मतलब आप स्पेशली कोई वन कार्ड को क्यों परचेज करेगा, मतलब क्यों यहाँ पे उसके जो है क्रेडिट कार्ड बिल भरेगा। और यहाँ पे बैंकों के कार्ड चलो होता है, अगर किसी का अकाउंट है ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, उसके बदले उसको जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। बट अगर जिसके पास, मतलब ऑलरेडी जिसको चाहिए ही नहीं क्रेडिट कार्ड, वो क्यों यहाँ पे खरीदकारी, मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है।
बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की अच्छे से कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले। थैंक यू सो मच।